अगली खबर फरीदाबाद से आपको बता दें, जहां बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 और सेक्टर 64 के लोगों को करीब 1.25 करोड़ के विकास कार्य समर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। सेक्टर 2 में जल्द ही पॉलीक्लिनिक भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीएम के सामने इसका पूरा बजट रखेंगे और पूरा भी कर पाएंगे। मूलचंद शर्मा का दावा है कि बल्लभगढ़ विधानसभा को विकास के लिहाज से पूरे हरियाणा में रोल मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कब्जाधारियों से जमीन का कब्जा छुड़वाया जाएगा, मुक्त कराया जाएगा। अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज बड़ी सौगात बल्लभगढ़ वासियों को मिली है, सेक्टर वासियों को मिली है, क्या है? नहीं, 1.25 करोड़ की लागत से आज हमने उद्घाटन किया है, जिसमें पार्क है, सड़क है, और अपना पार्क है, सीवर लाइन है और रोड है। 1.26 करोड़ की लागत से आज उसका उद्घाटन किया। लोगों को लाभ मिलेगा और लोग जल्दी, बहुत लंबे समय से डिमांड थी पार्क की, मार्केट की, और इन लोगों को समर्पित किया है। पहले जिस जमीन पर विवाद था, लड़ाई थी, और ये 3,500 गज में मार्केट बन के तैयार हुई है यहाँ के लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि ये रास्ता है, रोड जेवर एयरपोर्ट को टच करेगा, और जेवर एयरपोर्ट जब टच कराएगा तो मार्केट होनी बहुत ज़रूरी है, लोगों को आवागमन, जाना आना, और लोगों के लिए जो मार्केट से सुविधा उसका लाभ मिलेगा। और सेक्टर 64 के लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी। मैंने 2014 में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी अपनी बाय में, मैं सरकारी जमीन पे 1 इंच जमीन पे भी कब्जा नहीं होने।